समाज को बांटने की नापाक कोशिश हमेशा से होती रही, लेकिन कुछ ऐसा जुड़ाव भी आपस में रहा कि प्रेम और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले नाकाम रहे। कुछ ऐसा ही शाहगंज नगर में, यहाँ विजयदशमी मेले के लिए रावण का पुतला चार पीढ़ियों से क्षेत्र के भादी निवासी मुस्लिम परिवार सुब्बन खां का कुनबा बनाता है। इस काम में परिवार के एक नहीं सभी सदस्य हाथ बटाते हैं। इस साल इनके हाथ का बना 75 फीट ऊंचा रावण का पुतला मेले के आकर्षण का केंद्र होगा। सागर नगर में 153 वर्ष पूर्व जब रामलीला व विजयदशमी की मेले की शुरुआत हुई, तभी से रावण सहित राजा दशरथ का दीवान मेघनाथ सुपनखा जटाई हुआ हिरण आदि का पुतला बनाने का काम यह मुस्लिम परिवार करता चला आ रहा है। भादी निवासी 70 वर्षीय सुब्बन खां बताते हैं कि उनके पहले उनके पिता कौसर खान रावण के पुतले को बनाने की जिम्मेदारी निभाते रहे, उसके बाद यह काम मैं मेरी पत्नी मजहबी करती थी। आज पुत्री अफरीन, गुलसबा व पुत्र शहनवाज व आकिब तथा शहनवाज व आकिब के बच्चे भी कर रहे हैं, मैं भी साथ देता हूँ। यह हमारी चौथी पीढ़ी है जो इस काम में लगी है। बताया कि पुतला बनाने के खर्च का जो रामलीला समिति के लोग दे देते हैं हम लोग ले लेते हैं, कोई डिमांड नहीं होती है। बताया कि सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि हमारे पिताजी कर रहे थे। यह परिवार पीढ़ियों से बगैर किसी हिचक के हिंदुओं के प्रमुख पर्व विजयदशमी मेले में हिस्सा लेते चला आ रहा है। इनका यह काम गंगा जमुनी तहजीब की एक जीता जागदा मिसाल है, उनके लिए एक सबक भी है जो समाज को बांटने की सोचते हैं। सुब्बन बताते हैं कि इस बार 75 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जा रहा है। पुतले को बनाने में लोहे की रिंग का भी उपयोग हो रहा है जो पुतले को मजबूती देगा और उसे खड़ा करने में मददगार होगा। सुब्बन जी, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये तो हम करीब 40 साल से कर रहे हैं। 40 साल से। तो सुब्बन जी, आपके पहले आपके परिवार में और कौन कौन लोग थे? हमारे पिताजी करते थे और उसके बाद फिर हम कर रहे हैं। पिताजी से पहले कोई? पिताजी से पहले वो दादा करते थे।